लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ स्टीम ऑन स्किन। तो स्टीम क्या होती है? स्टीम नॉर्मल वाटर को हम जब बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसके बाद जब वो वेपर्स जो निकलते हैं उसको हम स्टीम कहते हैं। तो इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं हेयर्स के लिए, स्किन के लिए। तो स्किन पर इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी। तो स्किन के लिए क्या, एक ओपन्स द पोर्स एंड क्लीन्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर स्किन। तो क्या होता है, हमारी स्किन में ना बहुत सारी ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एवं सीबम ग्लैंड्स। तो क्या होता है, वो क्लॉग्ड हो जाती हैं। तो स्टीम से क्या होता है कि ये ओपन हो जाती हैं, और ओपन होने के बाद अच्छे से वो हमारी स्किन को एक रोजी ग्लो देते हैं, और बहुत ही अच्छी है हमारी ये स्किन के लिए। और ये जो हमारी टायर्ड एंड डल स्किन को है उसको बहुत ही अच्छी रोजी बना देती है। क्योंकि क्या करती है, जब ये वार्म स्टीम जो हमारी स्किन पे टच होती है, स्किन पे जाती है, तो इट वॉसो डायलेट द वेसल्स एंड वहां पर अच्छा सा सर्कुलेशन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो जो कि एक रोजी ग्लो देती है। तो अब इसका क्या है, इट इट गिव्स अ कार्मिंग इफेक्ट ऑन द स्किन एंड इट प्रमोट्स रिलैक्सेशन। तो ये जो स्टीम है, हमने बहुत बार देखा होगा कि हम फेशियल कराने जाते हैं तो पार्लर वाले इसको यूज करते हैं, स्टीम देते हैं। तो हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि वो क्यों देते हैं, उसका क्या यूज है, क्या पर्पस है। हो सकता है कुछ वो खराब कर रहे हो सकता है कुछ बहुत अच्छा हो, तो हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो थोड़ा मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि उसके क्या उसके यूजेस हैं। तो जो स्टीम होती है वो हमारी स्किन को बहुत ही कामिंग इफेक्ट एंड रोजी ग्लो देती है। तो उसके लिए क्या होता है, हम कैसे इसको कई तरीकों से दे सकते हैं। या तो फेशियल स्टीमर यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बाउल में गर्म पानी ने उसमें हम टॉवल को डिप कर दें, और फिर उसके बाद उसको अपने फेस पर या हेयर स्पा, इसको हेयर स्पा बोलते हैं, फेस स्पा, ठीक है, तो फेस पे लगा के थोड़ी देर छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन ये है कि हमने बॉइल्ड वाटर लिया, उसको रखा, और उसमें से जो स्टीम निकल रही है उस पे हमने अपना फेस ऐसे करा, ऊपर से कवर कर लिया। तो उसको हम 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोसीजर रहा कि जो हम घर में भी स्टीम ले सकते हैं। तो अब आई बारी कि हमें स्टीम कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। वंस इन अ वीक, एक वीक में एक बार, और 1 से 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेनी, मैक्सिमम 3 मिनट्स और मिनिमम 1 मिनट। तो 1 to 3 मिनट्स आपको लेनी है। और यदि आपको थोड़ा सा जलने जैसा फील हो रहा है कि कुछ बर्निंग सेंसेशन ये हो, तो हमें तुरंत डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। तो और यदि जिनके एक्नेज हैं, पिंपल्स हैं, तो उनको तो खास ध्यान रखना है कि स्टीम के लिए पहले अपने स्किन फिजिशियन को कंसल्ट करना है कि मैं स्टीम ले सकती हूँ या नहीं, तभी स्टीम लेनी है। क्योंकि फालतू में कुछ स्किन में परेशानी हो जाए, तो इसलिए बेटर है कि हम पहले पूरी अच्छे से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही लें। तो अभी मेरे पास यहाँ पर एक स्टीमर है, हैंड हेल्ड गार्मेंट एंड फेशियल स्टीमर। तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी आपको। इसमें क्या है, ये इस तरीके से स्टीमर है, और इसका ये इनलेट एंड आउटलेट है। यहां से हम पानी इसमें फिल करेंगे, एंड ये आपका बटन हो गया है। इसमें 2 वे है, इसमें मतलब कम स्पीड एंड लो स्पीड कर सकते हैं हम इसको। इसमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे हम पानी जो फिल करेंगे तो यहाँ पे ये दिखेगा ऐसे, और यहां से इसकी स्टीम निकलती है। इसका एक छोटा सा एक पार्ट है, अटैचमेंट है, तो इसको हम ऐसे लगाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और हमें ये ध्यान रखना है जो स्टीमर है ये कम से कम 20 सेंटीमीटर अप्रोक्स इतना हमारे फेस से दूर होना चाहिए, और ये नहीं हो कि हमारा हमने अपना फेस ही जला लिया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यूज करके दिखाऊंगी, इसका डेमो दूंगी। तो सबसे पहले हम प्लग को, इलेक्ट्रिक है ये, ठीक है, तो प्लग को हम इसमें लगाएंगे, अभी ऑन नहीं करेंगे, पहले इसमें हम पानी फिल करेंगे, ठीक है। इसको ओपन किया, और इसमें मिनिमम यहाँ पर दे रखा है 100 ml, 200 ml, 300 ml। तो 200 ml मिनिमम पानी होना चाहिए, ठीक है। इसको ओपन किया, इसमें मैंने वाटर लिया, वाटर को हमने मैंने इसको फिल कर लिया। ठीक है, अप्रोक्स मैंने 200 ml से ऊपर ही ले लिया। इसको हम टाइटली क्लोज कर देंगे, ठीक है।
अब मैं आपको फेशियल स्टीम का बता रही हूँ कि कैसे लेनी है। अब इसको हमने होल्ड किया हुआ है और स्विच ऑन कर दिया। अब इसको हमने थोड़ा टाइम दिया, इसको 10 to 15 सेकेंड में ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। ठीक है, नाउ इट इज वर्किंग। इधर एक इंडिकेटर लाइट है, तो जो लाइट चल रही है इससे हमें पता चल रहा है कि ये वर्किंग है। ये ध्यान रखना है कि हमें इसको 20 सेंटीमीटर मिनिमम दूर रखना है अपने फेस से, क्योंकि कहीं फेस बर्न ना हो जाए। तो अभी जस्ट ये हो रहा है गरम, तो लेट इट वर्क। सो वेटिंग वेटिंग वेटिंग। अराउंड 10 to ये कह सकते हैं 1 to 2 मिनट्स लगते हैं इसको गर्म होने में और इसको रेडी होने में, तो हम तब तक इसका वेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आया है, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो इसको यूज करना है हम एक बार अपने, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आई थिंक आई डोंट नो द कॉस्ट, आई विल टेल यू इन द मैसेज बॉक्स। सो इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग डस्ट, स्टेलाइजेशन, फेशियल केयर, ह्यूमिडिफिकेशन, डिसइन्फेक्शन एंड रिड्यूसिंग रिंकल्स। सो इस प्रोडक्ट का जो कोड है RZ608, इसमें सेफ्टी वॉल्व है, फीचर बटन है, विजिबल वाटर लेवल है, और इट रिड्यूस रिंकल्स, रिमूविंग डस्ट, स्टेलाइजिंग, डिसइन्फेक्टिंग बाय हाई टेम्परेचर स्टीम, ह्यूमिडिफाइंग, क्लियरिंग फेस एंड फिजियोथेरेपी बाय सॉफ्ट स्टीम। इट इज अ वेरी सिक्योर एंड डू नॉट हार्म टू क्लोथ्स। सो अब इसमें से आवाज आने लगी बॉइलिंग की। अब ये होने वाला है, इसके दो ये बटन से इसको हम लो मोड पे, अभी हाई मोड पे भी कर सकते हैं इसे। तो अब देखिए अप्रोक्स मुझे इतना दूर रखना है। और जब बहुत अच्छे से स्टीम पूरी बन जाए, निकल जाए, तो हम इसको क्लोज कर देंगे अच्छे से, जब हम यूज कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि बंद करते इसकी स्टीम निकलना बंद हो जाएगी। अब इसने स्टीम निकालना स्टार्ट कर दिया, मैं दिखाती हूँ कैसे निकल रही है। देखिए शायद दिख रही हो, मैं इसको ऐसे फेस पे ले सकती हूँ, आईज क्लोज रखनी है। 1 to 3 मिनट्स के लिए लेनी है, लेकिन मुझे 3 मिनट से पहले ही लग रहा है कि जल रहा है मुझे, तो मुझे बंद कर देना है। अच्छे से दूर रखना है थोड़ा, 20 सेंटीमीटर पे, ताकि वाटर ड्रॉपलेट जो स्प्रिंकल हो जाते हैं वो हमारे फेस पे ना आ जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे लेनी है। आप देखिए मेरे फेस पे स्टीम स्टीम हो गई, बहुत ही अच्छी प्यारी सी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको अच्छे से वॉश वॉश नहीं करना मुझे, थोड़ा सा इसको सोक करके फिर फेस पैक लगाऊंगी, तो बहुत अच्छा सा रोजी ग्लो आएगा मेरे फेस पर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय। Thank you.